हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू देना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आप क्लास 10 में एंटर कर चुके हो जो कि आपका बोर्ड ईयर है। जी हाँ, आप पहली बार अपने लाइफ में बोर्ड एग्जाम दोगे, तो बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, उसमें अच्छे स्कोर करने के लिए आप पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशन करोगे, लेकिन वो तब स्टार्ट होगी जब आपको सिलेबस का पता होगा और बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का पता होगा। तो चलिए मैं आज के इस सेशन में आपको न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं, ठीक है? फिर हम यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस यूनिट का वेटेज ज्यादा है, कहां से कम मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, कहां से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, और फिर अपडेटेड सिलेबस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको डिलीटेड पार्ट भी बताऊंगा, ठीक है? तो इससे आपका जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वो काफी बेहतर हो जाएगी, काफी यूनिक हो जाएगी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम को क्रैक करोगे, फुली स्कोर करोगे, ठीक है? तो चलिए पहले न्यू एग्जाम पैटर्न में डिस्कशन करते हैं। तो पिछले एकेडमिक ईयर की बात करें तो सीबीएसई ने 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए बोर्ड एग्जाम को दो फेजेस में कंडक्ट किया, टर्म वन टर्म टू। बच्चों को दो बोर्ड एग्जाम देने पड़े। जी हाँ, लेकिन 2022-23 एकेडमिक ईयर के बच्चों के लिए क्लास 10th में सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम दो फेजेस में कंडक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये बात तो हो गई। अब वो जो सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? क्या वो 100 मार्क्स का होगा? जी नहीं, बोर्ड एग्जाम तो होगा 80 मार्क्स का, बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका वाइवा होगा, है ना, प्रोजेक्ट सबमिशन हो सकता है। तो इसके 20 मार्क्स इंटरनल के, बाकी आपके बोर्ड एग्जाम साइंस का 80 मार्क्स का, और अगर हम 80 और 20 ऐड कर दे तो आपका इवेल्युएशन होगा 100 मार्क्स का। तो जो आपको फाइनल स्कोर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वो 100 मार्क्स में मिलेगा, है ना, लेकिन बोर्ड का एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा थ्योरी, बाकी 20 मार्क्स इंटरनल, ठीक है? तो एक शिफ्ट हुआ दो बोर्ड एग्जाम से अब सिंगल बोर्ड एग्जाम की तरफ, जैसे पहले होता था, है कि नहीं? तो ये एक नया एग्जाम पैटर्न है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आपको तैयारी 80 मार्क्स की करनी है, ठीक है? क्लियर? पढ़ना 80 मार्क्स का है, बाकी तो 20 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अगर आप डेली रूटीन में जाएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल देंगे, तो आप 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तब वो 80 मार्क्स जो है वो बहुत सारे यूनिट में डिवाइडेड है, है ना? तो 80 मार्क्स में कितने यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे? तो साइंस में अगर हम बात करें तो टोटल 5 यूनिट आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट और चैप्टर में कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो पहला, अगर आप यूनिट देख रहे हो तो पहला यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का आएगा 80 में से। फिर दूसरा यूनिट वर्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 मार्क्स का आएगा 80 में से। तो अगर हम इन दोनों यूनिट को देखें तो दोनों 50 मार्क्स के हो गए, है ना, 25 प्लस 25, यानी अगर आपने पहला दो यूनिट पढ़ लिया तो 80 में से 50 मार्क्स की तैयारी तो हो गई, है ना। फिर आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो है वो 12, 13 और 5 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का यहाँ कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यानी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है? तो ये तो हो गई यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन सा यूनिट ज्यादा वेटेज का है, कौन सा कम वेटेज का है, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है? तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें सिलेबस की तो तीन चैप्टर, कौन से तीन चैप्टर आपके साइंस सब्जेक्ट में? चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसको सीबीएसई ने फुली डिलीट कर दिया है। फुली डिलीट का मतलब ये है कि इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो हिप्पे फुर्रे, तीन चैप्टर तो वैसे ही माइनस हो गए, है कि नहीं? तो ये तो हो गए फुली चैप्टर जो कि डिलीट हुआ है। अब हम यूनिट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कोरोजन और एंसिडिटी जो टॉपिक है ये डिलीट कर दिया गया है, बाकी सब पूछा जाएगा, ठीक है? फिर अगर हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, मतलब आपका पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है?
फिर अगर हम बात करें मेटल एंड नॉन मेटल्स की, तो इसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं है, मतलब ये भी फुल चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये भी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। तो यूनिट वन में केवल यही एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक डिलीटेड पोर्शन है, जैसे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक आपको पहले चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब पढ़ना है, ठीक है। यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स की बात करें तो इस चैप्टर में भी कुछ भी रिडक्शन नहीं है। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात करें तो इसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें तो यहां रिडक्शन है, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर तो आपको फुल पढ़ना है, लेकिन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, और इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये तो हो गई बात यूनिट टू की। अब बात करते हैं यूनिट थ्री की, है ना बच्चों। यूनिट थ्री की बात करें, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो टॉपिक है इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसमें से ये जो टॉपिक है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना क्योंकि ये डिलीटेड है, बाकी चैप्टर में हर टॉपिक पढ़ने। तो ये बात हो गई यूनिट थ्री की। यूनिट फोर की बात करें तो यूनिट फोर में इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ डिलीटेड है। क्या डिलीटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आएगा। तो ये तीन टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने, ठीक है। और यूनिट फाइव की बात करें तो यूनिट फाइव में अवर एनवायरमेंट, कुछ भी रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पांच यूनिट में जितने चैप्टर आने वाले थे वो भी देख लिया, चैप्टर में टॉपिक कौन सा डिलीटेड था वो भी देख लिया, और पूरा का पूरा चैप्टर कौन सा डिलीटेड था वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब ये जितने चैप्टर हैं उसमें से कुछ चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे लाइट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यहां न्यूमेरिकल बनेंगे, है ना। और अधिकतर चैप्टर आपके थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो हमको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चैप्टरों का ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वाले चैप्टर भी हमको पढ़ने अच्छे से, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं और थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। तो हमारी अप्रोच दोनों हिसाब से होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये रहा आपका क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू। आई होप कि अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और श्रेष्ठ बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और मिलके हम एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को क्रैक करेंगे और 80 out of 80 स्कोर करेंगे, है ना। जाते जाते मैं आपको थोड़ा एक हमारे अड्डा 24/7 ऐप का एक फीचर बताने जा रहा हूं जिससे आपको फायदा मिलेगा। बच्चे पढ़ते हैं, डाउट होता है, डाउट पूछे कैसे एट द इंस्टेंट, उनको डाउट कहां से मिले, तो वो अपने डाउट का सलूशन मांग सकते हैं हमसे। करना क्या होगा आपको, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां एक सेक्शन आता है आस्क योर डाउट, ठीक है। और ये जो आइकन बना है यहां से आप अपने डाउट को फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने डाउट का, ठीक है, जो किसी भी सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो सकता है। आप उसकी फोटो क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके हमें सेंड कर दीजिए, हम उस डाउट का जवाब आपको फॉरवर्ड कर देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यह फीचर बहुत ही काम का है, इसका यूज कीजिए और अड्डा 24/7 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, हैप्पी एंड सेफ डे। जय हिंद।